नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ पहले के किसान कैसे खेती करते थे और आज खेती कैसे कर रहे हैं, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर लगाने के बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ है और उनके उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो बात करते हैं निम्बस पाइप लिमिटेड के फील्ड असिस्टेंट रविकांत शर्मा और किसान मित्र के साथ। तो साथियों आप देख सकते हैं वीडियो विदाउट स्किप ये पूरा ही अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं रवि शर्मा निम्बस पाइप लिमिटेड में फील्ड असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ और मैं आज मुरमांझी ब्लॉक के कौन गांव है, गुंजा गांव में आया हूँ और मैं आपको एक अच्छे किसान से मिलवाता हूँ। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। किसान भाई अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अशफाक अंसार है। पिताजी का नाम? नईम अंसार है। ग्राम? गुंजा डोटोला। और ये पंचायत? हिंदबेले। ब्लॉक? और मांझी। जिला? रांची। अच्छा, आप किसान भाई ये बताइए कि आप जो ड्रिप से खेती कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? वही तीन चार महीना से है। तो अभी आप क्या लगाए हैं? झींगी है, खीरा है, उसके बाद करेला है, बोदी है। इसके पहले आप क्या लगाए थे? तरबूज लगाए थे। तरबूज के बाद फिर ये उसको हटाने के बाद फिर ये लगाए ना जी। अच्छा, तरबूज में आपको कितना बेनिफिट मिला ना जी? अच्छा, और ये अभी जो पौधा लगाए हैं अभी कितने दिन हो गया इसको लगाए हुए? वही 20-22 दिन हो गया। आप कितना एकड़ में लगवाए हैं? ढाई एकड़ में। कौन सा कंपनी से लगवाए आप? निम्बस पाइप। और थोड़ा चल के बताइए अपना खेत पर और ड्रिप के बारे में बताइए। ड्रिप सिस्टम से खेती करने से क्या क्या फ़ायदा है हमको ये बताइए। फ़ायदा यही है कि पानी का बचत है, खाद का बचत है, उसके बाद लेबर का बचत है। अच्छा, पहले जो खेती करते थे आप फ्लड इरिगेशन से और ड्रिप से, तो ड्रिप आपको अच्छा लग रहा है खेती करने में जी? ये 2.5 एकड़ में टोटल लगाए हुए हैं। ये क्या चीज़ है? खीरा है ना? ये खीरा है। ये पर नीचे पूरा प्लॉट में खीरा है और ऊपर ये इनका वो क्या है, ये झींगी लगा हुआ है और इसके ऊपर बोदी लगा हुआ है। अच्छा, आप बताइए तरबूज जो आप इसके पहले लगाए थे आप कितना टन लगभग निकला था तरबूज? लगभग 50-55 टन। अच्छा, उसमें तो फ़ायदा मिला ना जी? ठीक। अच्छा, ये ड्रिप सिस्टम में अभी कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं। ये पूरे 2.5 एकड़ में इनका